जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो खैर व्लॉग नहीं होने वाली, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली, या कह लो कि मतलब जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे, या कह लो पॉडकास्ट टाइप की। तो आपको बता दूं कि मतलब भाई साहब, हमारा जो समाज है काफी टॉक्सिक होता चला जा रहा है। टॉक्सिक का मतलब है कि जैसे कोई भी कुछ अगर कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें दंगा फसाद तय है। हाँ, खैर ये बात है कि हमारे बाबा ने इसको बिल्कुल फुल प्रूफ बना के रखा है, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा भैया। जहां हिम्मत हो कर लो, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा भैया। घर ढूंढ ढूंढ करके पकड़ के लेके आया जाएगा उसको, उसका नाम पोस्टर पे छपवा दिया जाएगा। हाँ, कि भैया ये शामिल थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, या ये झंडा जला रहे थे, या ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, या अपने घरे पे झंडा लगा रहे थे। तो भैया ये आपको बता दूं, इसमें श्योर एंड शॉर्ट जो हाथ होता है ये आपकी सरकारों का हाथ होता है। अगर सरकार चाह जाए ना तो आपके घर पे एक पत्ता भी नहीं ले, आपके घर पे एक पत्ता भी नहीं ले। और साथ में अगर वो चाह जाए कि हम कुछ नहीं होने देंगे, तो भाई वो कुछ नहीं होने देगी, सच में कुछ नहीं होने देगी। और आपका सकुशल सब कुछ बीत जाएगा, और बल्कि वो आपको खड़े होकर सलाम करेंगे। लेकिन नहीं, कुछ सरकारें हैं जो आपको फ्री में बांटने का लालच दे रही है। और समझ जाओ भाई, आने वाले टाइम में दिल्ली की हालत इतनी बुरी होने वाली, इतनी बुरी कि आप खुद समझ जाओ वहां बचने नहीं वाला है कोई। क्यों? क्योंकि जो हाल श्रीलंका का हुआ ना, मारे मारे फिर रहे सब, तो वही सही होगा। एक होता है कि आदमी ट्रेवल करके एक जगह जाके सेंट्रलाइज होता है, ताकि वहां पर उसको जाकर के वो संसाधन मिले, वो उसको वो रोड मिले, वो लाइट मिले, उसको वो चिकित्सा की सुविधा मिले। पर एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा जब सब कुछ फ्री हो जाएगा ना, तो सारे लोग वहां पे इतनी भीड़ मार देंगे, और वहां पे जब संसाधन की कमी पड़ जाएगी तब वहां से लोग डिसेंट्रलाइज होना शुरू करेंगे, सब इधर उधर छटकना शुरू करेंगे, और तब दिल्ली हो जाएगी वीरान। ये मेरा एजम्पशन नहीं है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स का छात्र रहा हूँ, पूरी स्टडी की जाती है, तब आकर के ये चीजें बाहर निकलती है। इन्फ्लेशन होता है जो अभी चल रहा है। देखो भैया, आपको बता दूं, तेल का जो दाम है ना, वो उससे बहस नहीं कर रही है, मैं आपसे बस सीधी सी बात करने वाला हूँ। जो दाम पहले था उससे दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जीवन में आज के बाद आप जब भी पैदा हुए तब से बड़े ही ना हो रहे हो, घटे नहीं ना हो, तो सेम चीज इनके साथ भी है। आपका ये जो भी दाम ना, ये केवल बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं आप जो सोच रहे हो। क्यों? अब इसका सीधा सा आंसर है ना भैया, हमारी पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आने वाले टाइम में चीजें महंगी होती चली जाएंगी। आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है भाई। किसी दिन इस पर टॉपिक पर बैठ के बहुत बढ़िया से रिसर्च करते हैं। कमेंट करिए कौन कौन साथ है मेरे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।